यहाँ से दो रोड हो जाते हैं। गाइस फाइनली आपके टी ने बना के रेडी कर दिया है, इसको थोड़ा सा चिपकाया है तो ये डेट वगैरह बाद में लगाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू राजकुमार ब्लॉग। तो गाइस आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के हमारे नए और प्यारे से ब्लॉग में। गाइस देखो आगे सब जने मेरे को बाय बोलने के लिए, बाय 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 ना, मैं कनाडा जा रहा हूँ, बाय अभी आ रहा हूँ शाम तक, बाय बाय। और आपको दिखाएंगे कि यहाँ की संडे मार्केट कैसी होती है, हर चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे आज। देखिए ये है होशियारपुर, और होशियारपुर का बस स्टैंड है ये, और सामने से शुरू होती है मार्केट, संडे मार्केट। यहाँ पे भी देखिए पूरी की पूरी मार्केट सजी हुई है। देखिए है तो संडे लेकिन रौनक मेला कितना ज़्यादा लगा हुआ यहाँ पे। संडे वाले दिन ना बस स्टैंड के बाहर ही लग जाती है मार्केट, जैसे कि आप देख सकते हो। देखो गर्मी है, गर्मी की वजह से ना लोगों ने अपने ना आगे से कपड़े से टांगे हुए, देखो आप। बाकी ये मार्केट पूरी ऐसे घूमेगी, इधर को वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे गर्मी का मौसम शुरू हो ही चुका है, और इसी हिसाब से ना कपड़ों में भी चेंजिंग आ गई। पहले बिकते थे सर्दियों के कपड़े और अब बिक रहे गर्मियों के कपड़े। दोनों तरफ मार्केट ही मार्केट है। बहुत से लोग ऐसे ना जो ज्यादा महंगे कपड़े नहीं ले पाते, उनके लिए मार्केट बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने बदन को ढक सकते हो, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे बहुत ही कम रेट में। यहाँ से मार्केट पूरी आगे तक जा रही है, ये दोनों साइड मार्केट लगती है, और यहाँ पे कपड़े के साथ साथ और भी कई चीज़ें, कई और चीज़ों की भी मार्केट लगी हुई है। बाकी मिस्टेक होने पे चलान भी हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मिस्टेक मत कीजिए, रूल फॉलो कीजिए। देखिए नई नई शर्टें 250 की है और ये 150 की। देखिए तो अभी मैं घूम रहा हूँ होशियारपुर के संडे मार्केट में, मेरे पीछे भी दुकानें भी पूरी लगी हुई हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। दिन का टाइम है ना इसलिए थोड़ा सा आपको भीड़ कम दिखेगी, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मैं जा रहा हूँ घंटाघर की तरफ, वहाँ पे भी पूरी मार्केट लगती है संडे मार्केट, वो चीज़ें आपको सब दिखाएंगे। ऐसा है गर्मी बहुत ज़्यादा है ना इसलिए थोड़ा सा आपको भीड़ कम दिखेगी। यहाँ से दो रोड हो जाते हैं, एक चल जाता है घंटाघर की तरफ और एक इधर मंडी है उस तरफ चला जाता है। लगी हुई है शॉप्स, संडे मार्केट शॉप, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चहल पहल दिखेगी क्योंकि सामने घंटाघर आने वाला है। ये देखिए दोनों साइड आपको ऐसे मार्केट दिखेगी, चहल पहल दिखेगी। यहाँ पे संडे मार्केट बाज़ार चल रहा है, यहाँ पे संडे बाज़ार। कुर्ते का बहुत ही बढ़िया पजामा है, 50-50 रुपये सेल वहाँ पर भी चल रही है। यहाँ पे चल रही है संडे मार्केट, देखो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, गर्मी है ना, लेकिन फिर भी देख लो आप यहाँ पे अभी भी कितनी ज़्यादा चहल पहल है। देखिए आप कितना ज़्यादा भीड़ है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इधर भी देखिए आप, ये कितनी सारी टी शर्ट है। और अभी सामने घंटा घर है, अभी हम उधर जा रहे हैं।
घंटाघर के आसपास आपको हमेशा ऐसी चहल पहल दिखेगी। ये देखिए घंटाघर है, ये बिल्कुल यहाँ पे आपको ऐसी भीड़ भाड़ दिखेगी। और आज संडे, दुकानें काफ़ी बंद है लेकिन संडे मार्केट लगती है, जो मैंने आपको भी दिखाई। संडे के दिन वैसे तो मार्केट बंद रहती है लेकिन कुछ वहाँ पे दुकानें लगती है घंटाघर के पास, जिसको हम संडे मार्केट बोलते हैं। वो चीज़ें मैंने भी आपको दिखाई। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वहाँ से अभी हम निकल रहे हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, जो बहुत ही स्पेशल ब्लॉग आने वाला है।